नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिस गुरु चैनल में। दोस्तों आज हम पीओ टेबल में सीखने वाले हैं कि पीओ टेबल के अंदर अगर आप टाइम के मतलब टाइम से कुछ ग्रुपिंग कर सकते हैं या टाइम का कुछ ग्रुप बना सकते हैं क्या। दोस्तों देखिए, इस प्रकार से आप अगर आपके डेटा में टाइम का भी एक कॉलम है दोस्तों, आप उसे इस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं 9, 10, 11, 12। मतलब जितना भी आपका टोटल सेल हुआ, आपको टाइम के हिसाब से मतलब कौन से टाइम कितना हुआ था, ये आप एक टाइमिंग के हिसाब से भी सेल्स शो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे। सिंपली इस डेटा को मैं इस पीओ टेबल को यहाँ से डिलीट कर देता और मैं समझाता हूँ मेरे पास जो डेटा है दोस्तों उसमें कुछ डेट्स है, फिर टाइम भी है और यहाँ पर मैनेजर का नाम है और कौन से रीजन में सेल हुआ है और कौन से प्रोडक्ट थे और टारगेट क्या था और सेल्स कितना हुआ है। दोस्तों कुछ कंपनी में टाइम का भी एक कॉलम रहता है, वो भी मेंटेन करते हैं कि कौन से टाइम को इन्होंने मुझे सेल बताया था, कौन से टाइम को ये सेल हुआ था। ठीक है दोस्तों, डेट और टाइम का भी एक डेटा होता है। तो अगर आपके पास इस तरीके से डेटा है तो दोस्तों आप इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक समरी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पीओ टेबल अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिंपल सा ये पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों आप इसे माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से। मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्टकट की जिसका नाम है कंट्रोल ए। ठीक है दोस्तों, इस शॉर्टकट की को मैं यहाँ पे प्रेस करने वाला हूँ। आप डेटा में कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल ए बटन प्रेस कर दीजिए दोस्तों। कीबोर्ड से कंट्रोल ए आपको प्रेस करना है ताकि ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, पूरा डेटा सिलेक्ट होने के बाद आपको एक्सेल में इंसर्ट टैब को क्लिक करना है दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ इंसर्ट, उसके बाद टेबल्स का ग्रुप है और आपको क्लिक करना है पीओ टेबल के ऊपर। ठीक है, इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद छोटा सा विंडो ओपन होगा दोस्तों और इस विंडो में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट अ टेबल और अ रेंज। तो जो भी जिस डेटा के ऊपर आप एक समरी या पीओ टेबल बनाना चाहते हैं वो डेटा की रेंज चाहिए तो आपको रेंज देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पीओ टेबल अप्लाई करने से पहले हमने कंट्रोल ए करके पूरा डेटा सिलेक्ट किया था, इसी कारण यहाँ पे आपको वो रेंज यहाँ पे शो हो रही है A1 से लेके I 1571। और ग्रुप टेप डेट मतलब दोस्तों ये है हमारे शीट का नाम। ठीक है दोस्तों, अगर जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों न्यू वर्कशीट पे टिक मार्क है यहाँ पे देखिए बराबर है, और जैसे मैं ओके बटन प्रेस करूँगा तो नया शीट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और उस शीट के अंदर आपको पीओ टेबल का समरी का एक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे क्लिक करने वाला हूँ। एग्जिस्टिंग पे क्लिक क्यों क्लिक करने वाला दोस्तों, देखिए डेटा भी मेरे सामने यहाँ पे शो होगा और पीओ टेबल की समरी भी यहाँ पे मुझे इस ब्लैंक एरिया में या एम्प्टी सेल में शो होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि डेटा के बाजू में यहाँ पे जगह बहुत सारी खाली है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ पीओ टेबल। और एग्जिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लोकेशन के अंदर यहाँ पे माउस से क्लिक करना है पहले, फिर उसके बाद आपको लेना है लोकेशन ये वाला ताकि इस सेल का यहाँ पे रेफरेंस आ जाए और बस करना है ओके बटन को क्लिक। तो ये बन गया पीओ टेबल का एक कैशे बोलते दोस्तों से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है पीओ टेबल की फील्ड, मतलब जो भी आपके डेटा के कॉलम के नाम है दोस्तों ये यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे पूरे। और ये है एरियाज, आपको फिल्टर क्या है, कॉलम क्या है, रोज क्या है, वैल्यूज क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपको टाइम के हिसाब से कुछ समरी बनानी है दोस्तों, देखो टाइम का यहाँ पे कॉलम नेम यहाँ पे है ना, इस टाइम को आप ड्रैग करके रो में ऐड कर दीजिए और ये है हमारा सेल, इसे दीजिए वैल्यूज में दोस्तों। टारगेट और सेल्स इसमें क्या है, नंबर से दोस्तों, इसीलिए आप इसे वैल्यूज में डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया टाइम का ग्रुप। अगर आप चाहते हैं इसे मैं मंथ के हिसाब से करना चाहता हूं तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे राइट क्लिक कर दीजिए और आपको सिलेक्ट करना है ग्रुप। ठीक है, इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइम का ग्रुप कैसे बना हुआ है। ऑफिस 9:30 से स्टार्ट होता है और 7 बजे बंद हो जाता है, उसके हिसाब से उन्होंने ये ग्रुप्स बनाए हैं और इस ग्रुप में कितना सेल हुआ यहाँ पे अपडेटेड है। ठीक है दोस्तों, चाहे तो आप इसे निकाल सकते हैं, देखिए बस आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर आपने डेज को क्लिक किया तो क्या होता है वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो लेकिन दोस्तों यहाँ तो मैंने क्या किया दोस्तों, टाइम यहाँ पे इंसर्ट किया। देखिए ये टाइम जो है यहाँ पे रो में इंसर्ट किया। अगर आपको डेट चाहिए तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये डेट का जो कॉलम है इस फील्ड को आपको रो में इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ और आपको सिंपली से ऊपर की तरफ हम ड्रैग करके छोड़ देंगे और डेट को हम इंसर्ट करेंगे दोस्तों रो के एरिया में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथ वाइज डेटा। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है, आप मंथली डेटा क्रिएट करना आप पीओ टेबल में, तो ये पूरी डेटा की एक समरी बन गई दोस्तों मंथ वाइज। तो अगर आपके मैनेजर को, आपके सीनियर को अगर उनको मंथ वाइज समरी बनानी है, मंथ वाइज समरी चाहिए कि मंथ वाइज सेल्स कितना हुआ दोस्तों, तो बस सिंपली आप इसे कॉपी पेस्ट करके उनको सेंड कर सकते हैं। उन्हें ये आराम से समझ में आएगा कि मंथ में कितना सेल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए और एक काम करेंगे, हम चेक करेंगे राइट क्लिक और ग्रुप के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डेज भी। तो हम अगर डेज और ये मंथ को निकाल के अगर क्वार्टर्स को अगर सिलेक्ट करते हैं और ओके बटन प्रेस करते हैं तो देखिए दोस्तों क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, बस हर एक क्वार्टर्स में कितने सेल हुए ये आपको यहाँ पे शो हो रहे। देखिए दोस्तों कितना सिंपल तरीके से, आपको कोई बड़े कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आप यहाँ पे लेबल्स दीजिए और यहाँ पे लिखिए सेल्स बस, और आपके सीनियर या मैनेजर को ये पूरा डेटा कॉपी कीजिए, कॉपी कर दीजिए और आउटलुक में जाके पेस्ट करके उनको भेज दीजिए, सर ये पूरा क्वार्टर वाइज रिपोर्ट है। कितने सिंपल तरीके से दोस्तों, देखिए देखिए ग्रुप का यूज दोस्तों राइट क्लिक कर दीजिए और अनग्रुप कर दीजिए। अनग्रुप करने के बाद आपको पूरा डेटा और मंथ वाइज नहीं दोस्तों, ये डे वाइज डेटा आपको शो होगा। अगर उनको इसकी ज़रूरत है तो आप ये भी डेटा दे सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक कर दीजिए, वापस जाइए ग्रुप में। ग्रुप में जाने के बाद दोस्तों आप ईयर्स भी शो कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे यहाँ पे डेटा एक साल का है तो एक साल का ही आपको सेल्स शो होगा 2020 का। और अगर आपके पास डेटा 2010 से तो पूरे 10 साल का यहाँ पे ईयर्स शो हो जाएंगे, 2020 12, 14, 15 तक यहाँ तक ऐसे नंबर्स आ जाएंगे और यहाँ पे उनके सेल्स भी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप इजीली चेंज भी कर सकते हैं, राइट क्लिक अनग्रुप करेंगे दोस्तों, राइट क्लिक करेंगे। अभी तो फिलहाल इस डेटा में से हम मंथली डेटा इजीली दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे मंथ। देखिए दोस्तों कितना सिंपल तरीके से हमने ये मंथ वाइज, क्वार्टरली, ईयरली और टाइम के हिसाब से डेटा हमने पीओ टेबल में समरी क्रिएट किए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा सेशन, ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।